से नहीं लगवानी पड़ सकती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इसको लेकर शुक्रवार को एसीएस श्रेया गुहा को निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाई जाए और फिर इसे बंद कर दिया जाए। साथ ही जिन लोगों का प्लेट पेमेंट हो चुका है लेकिन स्लॉट नहीं मिला है उनका पेमेंट वापस किया जाए, क्योंकि लोगों को नंबर प्लेट के लिए सीएम पोर्टल पर महीनों तक वेट करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रेमचंद बैरवा ने आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए ये निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए का पेमेंट वाहन मालिकों को वापस करना होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो राजस्थान में जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो अलॉटमेंट किया गया था उसको दोस्तों अभी कुछ समय के लिए दोस्तों बंद किया जा सकता है। अभी नहीं लगानी पड़ेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आगे। और आप दोस्तों वीडियो में समझ चुके हो कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए जो बुकिंग है उसमें दोस्तों आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो इसलिए दोस्तों इन्हीं मुद्दों को देखते हुए अभी हाल ही में प्रेमचंद बैरवा हैं जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि अभी नहीं लगानी पड़ेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो दोस्तों इस नंबर प्लेट की क्या खासियत है दोस्तों, इसको क्यों लागू किया गया था, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगाने पर रोक लग सकती है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस संबंध में शुक्रवार को ACS परिवहन श्रेया गुहा को दोस्तों पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाए फिर इसे बंद कर दे। साथ ही जिन लोगों का नंबर प्लेट का पेमेंट हो गया है लेकिन स्लॉट नहीं मिला है उसका पेमेंट वापस कर दिया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया नए तरीके से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, अर्थात दोस्तों ये प्रक्रिया दोस्तों दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा है। इन आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को दोस्तों 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के क्या फायदे हैं HSRP, दोस्तों हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है उसके क्या फायदे हैं वो देखते हैं। इसमें सीक्रेट कोड जिससे गाड़ी ट्रैक करना आसान होता है, नंबर CCTV कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं, 200 मीटर दूर से भी नंबर प्लेट पर नंबर आसानी से पढ़े जा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑथराइज्ड वेंडर फर्जी नंबर लगाना कम हो गए। ठीक है, ये दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण फायदे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के दोस्तों जरूरी दस्तावेज हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। वाहन का दोस्तों पंजीकरण प्रमाण पत्र अर्थात RC होना चाहिए, वाहन बीमा कवरेज का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की 4 खासियत क्या है? दोस्तों एल्यूमिनियम की प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होता है। ठीक है, होलोग्राम असली और नकली प्लेट की निशानी होती है। प्लेट पर 10 अंकों का पिन होता है, पिन की मदद से गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत है। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए दोस्तों इसको बंद किया जा सकता है, फिर से नई प्रक्रिया के अनुसार दोस्तों इसका नया रूप रेखा के अंतर्गत इसको तैयार किया जाएगा और फिर से वापस पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में जल्द ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।